हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंडियन मॉम स्टूडियो। गाइस आज है सैटरडे और मैं काफी लेट ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो मॉर्निंग से मेरा काफी बेसिक रूटीन रहा एंड अभी इवनिंग हो चुकी है, 8 o'clock हो रहे हैं और हम लोगों ने अभी खाने के लिए पिज्जा ऑर्डर किया है क्योंकि सबको पिज्जा खाना था। याद होगा कि मेरे पैर में चोट लग गई थी थर्सडे वाले दिन और उस दिन भी ये लोग पिज्जा खाना चाहते थे, तो मैंने उस दिन उनको रोक लिया, मतलब उस दिन हम लोगों ने अवॉइड किया पिज्जा खाना और मैंने घर में ही दाल चावल बना लिए थे। लेकिन आज मैं किसी को नहीं रोक सकती क्योंकि इन लोगों का बहुत जबरदस्त मन कर रहा है पिज्जा खाने का, है ना, वो जबरदस्त मन कर रहा है, तो मैं अब ज्यादा देर नहीं रोक सकती। और आज वैसे भी सैटरडे है तो सैटरडे में तो कंट्रोल नहीं होता, मन करता है कुछ ना कुछ अच्छा सा खाया जाए। ये पीछे इंडिया गेट के राइस रखे हुए हैं, एक्चुअली एक दो दिन पहले आए थे, मुझे इन्हें ट्रांसफर करना है राइस वाले बॉक्स में, तो मैं कर दूंगी, अभी फिलहाल तो ऐसे ही रखे हुए हैं मैंने। और इसके अलावा मैं आज बिग बाजार होकर आई थी, बिग बाजार में क्या कहते हैं महा बचत सेल लगी हुई है, तो उसका जो एक्सपीरियंस है मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दूंगी क्योंकि मुझे पता है ये व्लॉग उस वीडियो से के बाद में जाएगा, तो ये ब्लॉग बाद में जाएगा, वो वीडियो इससे पहले चली जाएगी। ऑफकोर्स वो जो वीडियो है वो बहुत छोटी सी है तो उसे एडिटिंग करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मैं फटाफट उसे एडिट करके एंड अपलोड कर दूंगी। और अभी कशिश मुझे बहुत देर से बुला रही है क्योंकि उसे एक मूवी मिल गई है, पुरानी मूवी है हम तुम करके, कहते हैं रानी मुखर्जी की और सैफ अली खान की, कशिश ने नहीं देखी है तो उसका बहुत मन है कि उस मूवी को वॉच करे। और वो नेटफ्लिक्स पे है ना, मिली है ना कशिश? नहीं, अमेजॉन प्राइम पर पड़ी हुई है, तो अगर आप भी देखना चाहते हैं तो अमेजॉन प्राइम पे ढूंढ लीजिएगा। तो हम लोग अभी वो वॉच करने वाले, प्रोजेक्टर पर नहीं और फिर किस पे? डेस्कटॉप पर। प्लीज कशिश प्रोजेक्टर यूज करो, प्रोजेक्टर में बहुत टाइम लगता है यार। प्रोजेक्टर लगा लो ना, प्रोजेक्टर पे मजा आएगा देखने में, तो हम लोग अभी इसे देखेंगे। डैडी लगा रहे प्रोजेक्टर पे मूवी, दैट्स ग्रेट। तो मेरी जो थर्सडे में चोट लग गई थी, आप लोगों ने काफी कंसर्न दिखाया उस चीज को लेकर, आपके काफी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट आए, किसी ने बोला सेक कर लीजिए, किसी ने बोला ये मेडिसिन लगा लीजिए आपका पैर का दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने वैसे ही किया, थोड़ा सा मैंने सेक भी किया और थोड़ा सा मैंने स्प्रे किया था, डॉक्टर ऑर्थो का स्प्रे था, वो काफी अच्छा स्प्रे है, एक ही बार के स्प्रे में एंड गर्म पट्टी मैंने बांधी थी, तो रात रात भर में ही ना मेरा बहुत फर्क पड़ गया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं रिलैक्स थी, मतलब इतना ज्यादा तो नहीं कि मैं एकदम से दौड़ पाऊं या घर के पूरे काम कर पाऊं, लेकिन मैं इतना था कि मैं खड़ी हो पा रही थी। और फिर नेक्स्ट डे फिर सेम मैंने यही प्रोसेस रिपीट की, तो आज जो है मुझे काफी आराम है। आज है सैटरडे तो ये चोट मुझे थर्सडे में लगी थी, तो थर्सडे फ्राइडे हाँ, तो दो दिन में मुझे अच्छा आराम पड़ गया कि मैं आज घूम कर भी आ गई, मतलब मुझसे मुझे चैन नहीं है, मैं नहीं बैठ सकती कि चोट लग जाए तो बस बेड पकड़ लो, ऐसा मेरा आदत नहीं है, मुझे लगता है अटपटा सा लगने लगता है, मुझे बेचैनी सी लगने लगती है बेड पर मैं थोड़ी देर भी लेट जाऊं तो। मैंने अपने पैर को अच्छे से ध्यान दिया एक या दो दिन एंड देन उसके बाद मुझे लगा कि अब मैं चल पा रही हूं, तो मैं उठ के खड़ी हो गई और मैंने किचन के सारे काम भी किए आज, तो बल्कि मैंने पूरे दोनों बाथरूम थे वो भी क्लीन किए, तो मैंने आज से प्रॉपर काम भी स्टार्ट कर दिया। और आज मैं एरोबिक क्लास भी गई, मैं दो दिन एरोबिक क्लास नहीं गई थी एक्चुअली थर्सडे में चोट लगी है तो मैं फ्राइडे में नहीं गई, मैं एक दिन एरोबिक क्लास नहीं गई, लेकिन सैटरडे आज भी मेरी एरोबिक क्लास होती है। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था क्या आप वीकेंड पे भी एरोबिक्स जाते हो, तो मैं बता दूं कि मेरी जो वीकेंड पे एरोबिक क्लास जो है संडे को नहीं होती है, सैटरडे को होती है। एक्चुअली मेरा 2 days ऑफ होता है, वो है एक वेडनेसडे और एक होता है सैटरडे, तो ये 2 दिन एरोबिक क्लास का ऑफ होता है, तो 5 days होती है ये, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं सैटरडे भी अटेंड कर पाऊँ। हालांकि सैटरडे में सब लोग घर पे होते हैं, कशिश की भी छुट्टी होती है, मेरा भी दिल नहीं करता कि मैं जल्दी सो के उठूँ क्योंकि रेगुलर डेज में तो मैं डेली 5 o'clock उठती हूँ कशिश के टिफिन के लिए, तो मेरा मन करता है मैं सैटरडे में तो कम से कम चैन की नींद सो, लेकिन फिर मुझे याद आता है नहीं बेटा आज सैटरडे है लेकिन तुम्हारा एरोबिक है, तो मैं कूद के एरोबिक क्लास पहुंच जाती हूँ। और रात में भी मेरे दिमाग में रहता है मुझे सुबह जल्दी उठना है, सैटरडे जरूर है लेकिन तुम्हारे लिए ऑफ नहीं है। हालांकि मुझे 5 o'clock नहीं उठना पड़ता क्योंकि मेरी क्लास काफी लेट होती, काफी लेट बोले तो ऐसी होती है 8, 8:30, 9 बजे के करीब, तो मैं आराम से निकल जाती हूँ, थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिल जाता है रेगुलर डेज से सोने के लिए। संडे अच्छा होता है, संडे में लेट उठती हूँ तो कोई फिक्र नहीं रहती इतनी। फिलहाल तो अभी हम लोग मूवी देखेंगे हम तुम एंड पिज्जा खाएंगे और बस। रोज बादाम खाया कर, दिमाग तेज होगा। गाड़ी में कुछ भूल गए ना? यस।
ओह गाड़ी की चाबी इसी डोंट इवन स्टार्ट मैं जाना भी नहीं चाहता कि वो लड़की कौन है अरे किसने कहा मैं किसी लड़की के साथ था करण मॉर्निंग गाइस हैप्पी संडे अभी मैं अपने और प्रशांत के लिए ना पानी गर्म कर रही हूँ एक एक ग्लास क्योंकि मॉर्निंग में लूक वार्म वाटर जरूर पीना चाहिए काफी अच्छा रहता है दिन की शुरुआत करने के लिए मॉर्निंग की चाय बनाई जा रही है क्योंकि जो वीकेंड होता है ना वो ऐसे ही होता है मतलब वीकेंड में कुछ भी काम करने का दिल नहीं करता लेजी लेजी फील होता है और जैसा कि मेरे कप के टाइटल पर भी लिखा हुआ है हैप्पीनेस इज अ लेजी वीकेंड ऐसी मेरी लाइफ है वीकेंड पर किसी किसी दिन जल्दी भी करना पड़ता है वीकेंड पे काम लेकिन कभी कभी ऐसे वीकेंड भी होने चाहिए थोड़े थोड़े लेजी लेजी पानी में ऐसे पड़ा रहता है ऐसे है ना कितने लोगों ने मगरमच्छ को हाथ में लिया हुआ मैंने लिया हुआ मगरमच्छ के बच्चे को मैं फोटो होगी तो डालते हैं या मैं यहाँ पर उसकी फोटो इंसर्ट कर दूंगी प्रशांत ने एक बार मगरमच्छ के बच्चे को मगरमच्छ और जो पाइथन होता है पाइथन हाँ दोनों को हाथ में लिया हुआ है अगर मुझे फोटो मिलती है ना वैसे है वो फेसबुक वगैरह पर मैंने अपलोड करी थी तो मेरे पास होगी वो तो मैं उसे यहाँ पर इंसर्ट करूँगी और प्रशांत मुझे भी बोल रहे थे कि तुम भी पकड़ो लेकिन मैं तो बहुत डर रही थी मैं तो देखने से ही डर रही थी लेकिन जो हमारा जो हमें दिखा रहा था ना इंस्पेक्टर जो था उनका उसको देखा था वो तो बाकायदा मगरमच्छ का मुंह खोला उसने और उसके अंदर उसके उसके टूथपेस्ट कर रहा था उसके जो टीथ थे जस्ट लाइक मुंह के बीच में अपना सर डाल रहा था मतलब ही इज सो डेयरिंग है ना और एक बार हम लोगों ने इतने सारे मगरमच्छ एक साथ देखे थे ना बिलीव नहीं करेंगे आप बहुत सारे मगरमच्छ और एक बार हम जो राइड पे गए थे वो मगरमच्छ वाली याद है आपको एक राइड करी थी हम लोगों ने वो व्यूअर्स को दिखाओ तुम दोबारा तुमने डाला हुआ है लेकिन तुम उस वीडियो नहीं वो मैंने वीडियो नहीं डाली उसकी हमारे पास वो है मैंने उस टाइम में यूट्यूब नहीं करती थी मतलब करती तो थी लेकिन मैं जस्ट ब्यूटी से रिलेटेड थोड़ा बहुत ही डालती थी मैं पता है जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था आज से 2 साल हुए शायद मेरे को यूट्यूब करते हुए जिसमें से 1 ईयर मुझे अभी इंडिया में हुआ है करते हुए और 1 साल मैंने US में करती थी जब मैं US में करती थी तो मैं बिल्कुल भी सिंसियर नहीं थी अपने यूट्यूब चैनल को लेके मैं क्या करती थी ना कभी महीने में 2 वीडियो डाल दी कभी कहते हैं महीने में 3 वीडियो डाल दी और फिर बीच में गायब हो गई मेरा ये वाला स्केड्यूल था कुछ भी मुझे इतनी ज़्यादा वो नहीं था कि मुझे रेगुलरली से करना है बस एक शौक था कि मुझे यूट्यूब का चैनल खोलना है तो मैंने खोल लिया एंड जब मेरा मन करता था मैं अपलोड करती थी जब मन नहीं करता था अपलोड नहीं करती थी तो मैं बिल्कुल भी सिंसियर नहीं थी लेकिन US से इंडिया आने से थोड़े दिन पहले मैं थोड़ा सिंसियर हो गई थी मैं रेगुलर वीडियो डालना स्टार्ट कर दी थी
फिर इंडिया में आने के बाद थोड़ा बहुत शिफ्टिंग में टाइम लगा एंड शिफ्टिंग के बाद मैंने तब से अब तक मैं कंटिन्यूएशन में वीडियो डाल रही हूँ. एक साल अभी हुआ नहीं है. अभी मुझे हो गया. इंडिया से इंडिया आए हुए आपको नहीं हुआ है. आपको सेप्टेम्बर में होगा. लेकिन नहीं तुम्हें यूट्यूब रेगुलर डालते हुए ना वीडियोस डालते हुए. हाँ अभी एक साल नहीं हुआ है. रेगुलर वीडियोस मैंने डालनी शुरू करी है सेप्टेम्बर से है ना. जब मैं इस घर में शिफ्ट हो गई उसके बाद से करी उसके बाद से स्टार्ट करिए तब मैं थोड़ा यूट्यूब को लेकर सिंसियर हुई. अदरवाइज तो मैं ऐसे ही लेती थी बस यूट्यूब को एज अ फन. आज वैसे बहुत सारे काम है मुझे. मतलब लेजी वीकेंड तो है. मैं खाने में आज कुछ लंच में ऐसा कुछ खास नहीं बनाने वाली हूँ. घर में मेरे पास घुइया कहते हैं ना कि क्या कहते हैं अरबी बनाने वाली हूँ. तो अरबी की सब्जी और रोटी बनाऊंगी. बहुत सिंपल सा लंच बनाने वाली हूँ. कुछ भी ताम झाम नहीं रख रही हूँ. और क्योंकि आज थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मुझे तीज की भी करनी है क्योंकि कल तीज है और कल पूरा दिन तीज का जो फेस्टिवल है उसमें बिजी रहने वाला है. और तीज पे वैसे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फूड बनते हैं. मतलब पूरी सब्जी ये सब बनता है हमारे यहाँ. जो फेस्टिवल पे सब लोगों के घर बनता है वही सब हमारे यहाँ बनता है फेस्टिवल पे. फिर मुझे आज शाम को मेहंदी भी लगवाने जाना है अपने हाथों में. और मुझे अपने जो मैंने साड़ी परचेज किया उसका जो पेटीकोट है वो भी मुझे ढूंढना होगा. पता नहीं किधर पड़ा हुआ है. आई डोंट नो. साड़ी तो वो नई है लेकिन वो पेटीकोट मैं कोई पुराना ढूंढना चाह रही हूँ क्योंकि पेटीकोट बाजार से नया खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है. उस कलर का पेटीकोट मेरे पास घर में होगा लेकिन कहाँ पर है ये मुझे आइडिया नहीं है. आज टाइम पास हो रहा है. एक्चुअली बहुत पुरानी फ़ोटो देखी जा रही है शादी के तुरंत बाद की. ऐसे ही शादी को एक महीना हुआ था और ये ताजमहल की फ़ोटो है. एक मिनट दिखाना पीछे मेरी और प्रशांत की. और ये एक और फ़ोटो है मेरी और प्रशांत की. क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे थे? मम्मी की मैनी की जारी फोटो. मैनी की जारी. ये हर जगह कोलगेट वाली स्माइल से हमेशा रहती है. और ये है हम लोगों की मसूरी में कैंपटी फॉल की. और गाइस ये वो फोटो है जिसे देखकर प्रशांत ने मुझे पसंद किया था. ये फोटो हमारी तरफ से प्रशांत के घर पहुंची थी. बहुत पुरानी फोटो है. और ये एक और फोटो है जिसमें कशिश बॉर्न हुई थी. तो बस ये कशिश के बॉर्न होने के सिर्फ और सिर्फ एक दिन बाद का फोटो है. और इसमें हम कशिश को घर लेकर आए थे. और ये शादी के बाद जो पहली दिवाली पड़ी थी उसकी फोटो है. और ये जो साड़ी थी ये प्रशांत ने मुझे लाकर दी थी. और गाइज ये हमारा पहला घर है शादी के बाद. सबसे पहला घर हमारा यही था. और यहाँ कशिश बैठी हुई है. ये इसमें यार कितने महीने की है? हाँ तो हाँ 3 से 4 महीने की है ओनली. इस टाइम पूरी मैस फैली हुई है. चारों तरफ कपड़े हैं. मुझे वो पेटीकोट ढूंढने के चक्कर में मैंने पूरी मैस फैला दी है. अंदर ये कुछ मैंने अटैचियाँ रखी हुई थी तो मैं उनमें से ढूंढ रही हूँ. कशिश ट्राई कर रही है न्यू चारकोल फेस मास्क जो कि है गुड वाइब्स का. कशिश है ना. और मैंने एक बार ट्राई कर लिया मुझे तो पसंद आया इसलिए मैंने कशिश को बोला कि आज तुम्हारी छुट्टी है संडे है तो तुम भी ट्राई करके देखो. जितने भी डर्ट है वो सब ये जो है टेक आउट कर लेता है ना. चारकोल का काम ही ये होता है एक्चुअली. पील ऑफ नहीं है. पील ऑफ तो मैं तुम्हें लगाने भी नहीं देती. सिंपल फेस मास्क है. नहीं पील ऑफ नहीं यूज़ करना चाहिए. तो गाइज़ अगर फेस मास्क लगाने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा ड्राई फील होता है ना और लगता है कि फेस मास्क तो बहुत जल्दी सूख जाएगा उसका अफेक्ट है वो भी इतनी देर नहीं रह पाएगा क्योंकि जल्दी ड्राई होने लगा है तो उसमें ना आप एक या दो बार ये स्प्रे कर सकते हैं गुलाब जल का. तो मैंने इसमें गुलाब जल भर के रखा हुआ है इस स्प्रे बोतल में. तो जब भी मैं फेस मास्क वगैरह लगाती हूँ तो मैं इसे हल्का सा स्प्रे कर लेती हूँ. कशिश कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फेस मास्क था. मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ब्राइट हो गई.
ब्राइट हो गई है स्किन। हाँ मुझे भी लग रहा है क्लियर हो गई है, ब्राइट की जगह मुझे क्लियर लग रही है, एकदम क्लियर, अच्छी क्लियर स्किन हुई है। दिखा दिखा। मुझको छोड़ के घर में सभी ने लंच कर लिया है और जो सब्जी थी वो भी अब ठंडी हो गई है, तो मैं अपने लिए सब्जी गर्म करूंगी और खाना लगाऊंगी। मैंने आज आपको बताया था कि मैं अरबी की सब्जी बनाई है, तो अपने लिए सर्व करती हूँ फटाफट से, भूख लगी है तेजी से। और मुझे एक पिकल बहुत पसंद आ रहा है आजकल, तो ये है वो पिकल जो मेरी सिस्टर लॉ ने मुझे डालकर दिया था। और ये है मिर्च का अचार, बहुत ही पसंद आ रहा है मुझे आजकल, मैं इसे डेली खाती हूँ खाने के साथ। और बस मैंने अपने लिए एक ही चपाती बनाई है, और आज मैंने वैसे ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था मैं बता दूँ तो, और सब लोगों ने लंच इसलिए कर लिया क्योंकि मैं बहुत लेट चल रही हूँ, बहुत सारे कामों में इधर उधर उलझी हुई थी, बहुत सारे कामों में क्या बताऊं, मतलब कामों की लिस्ट बताना शुरू करूंगी ना, वैसे तो मैंने सोचा था आज मैं अपना लेजी संडे बनाऊंगी, लेकिन लेजी संडे नहीं, ये वर्क वाला संडे बन गया पूरा, कि मुझे खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं मिल पाया। खाना खाने के थोड़ी देर बाद जो है मुझे निकलना भी है मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि कल है तीज, कल है मंडे और मंडे की है तीज इस बार। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आप में से कौन कौन तीज का फेस्टिवल बनाता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं सबके कमेंट्स जरूर पढ़ती हूँ। मिलती है तो इस कलर की ही मेरी साड़ी है, तो मैंने ऑलरेडी पैरों में तो नेल पेंट लगा लिया है, पैरों में आई होप आप देख पा रहे हो, पैरों में तो मैंने नेल पेंट लगा लिया है, अभी मैं लगाने वाली हूँ हाथों में। मैं अपनी साड़ी का ब्लाउज आपको दिखाती हूँ, बनकर आ गया है, लेकिन साड़ी नहीं दिखाऊंगी अभी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप कल देखें, वरना सरप्राइज सारा डिस्क्लोज हो जाएगा। तो साड़ी का जो ब्लाउज है वो भी है इसी कलर का, ग्रीन कलर का, जिस कलर की ये नेल पेंट है, और साड़ी बहुत ही प्रीटी है, कल मैं पहनूंगी तीज वाले दिन। तो यहाँ पर मैंने एक हाथ में ऑलरेडी लगा लिया, बहुत प्यारा सा कलर है ना, इस कलर की साड़ी मैंने कभी नहीं पहनी, फर्स्ट टाइम पहनने वाली हूँ कल, एक्साइटेड हूँ। वैसे ये ग्रीन कलर ना मानसून सीजन में बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए इसका नाम भी तीज का रखा गया है, हरियाली तीज या हरतालिका तीज, इस टाइप से इसको बुलाते हैं। हरियाली क्यों बुलाते हैं, क्योंकि हरियाली मतलब ग्रीनरी, ग्रीनरी किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की, तो इसीलिए ग्रीन कलर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है तीज वाले दिन। अभी जस्ट मैंने मेहंदी लगवा ली है, मैं घर जल के दिखाऊंगी आपको, मेरा चेहरा पूरा लाल दिख रहा है ना आपको, क्योंकि जो गाड़ी की जो रेड लाइट्स नहीं होती बैक सीट पर, मेरी गाड़ी में आके ठीक लग रहा है, बैक सीट पर रेड लाइट थोड़ी ना कहते हैं, क्या कहेंगे, बैक साइड में जो रेड लाइट्स नहीं होती है वो मेरे फेस पर ग्लेयर कर रही है। तो मैं अपनी मेहंदी घर जाके दिखाऊंगी, मैंने दोनों हाथों में लगवाई है, दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है क्योंकि थोड़ी सी ड्राई हो गई है मेहंदी। तो ये रही मेरी मेहंदी का डिजाइन जो मैंने लगवाया है। अकेले काम करने का मौका मिला है, खुशी करो इस बात की कि तुम्हें आज मैंने अकेला छोड़ दिया है, वरना ये सारा काम तो मेरे ऊपर होता है। ये तो है, लेकिन आज जो मैं तुम्हें बना के खिलाऊं, आज जो मैं बना के खिलाऊंगा
गर्म पानी में हाथ दे लिया। आपने गलत सब्जियां काटी है, मैं तो इतना अच्छा काटती हूं। गाइस आज जो डिनर में कुक हो रहा है उसकी रेसिपी की बिल्कुल भी उम्मीद ना रखें, क्योंकि वो तो मुझे खुद नहीं मालूम क्या बनने वाला है। जो भी बनेगा एंड ऑफ द रिजल्ट मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अच्छा ही होगा। कशिश जो है बहुत हेल्प कर रही है अपने डैडी की, चाहे मेरी थोड़ी हेल्प करे या ना करे उसके पास टाइम नहीं होता, लेकिन डैडी की हेल्प करने के लिए वो तुरंत आ गई दौड़ के। उसे लगा डैडी बेचारे अकेले ना पड़ जाए। कर रही थी तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, घर में सभी लोग सो गए हैं, कशिश सो गई है, प्रशांत सो गए, मेरी भी एडिटिंग जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, बस लास्ट फिनिशिंग टच बचा है तो वो भी मैं अभी सोच रही हूँ कि कर लूँ। एंड उसके बाद मुझे कशिश की स्कूल ड्रेस प्रेस करनी है, और अभी मुझे ये जो हाथ है मैंने वैसे तो मेहंदी हटा ली है, लेकिन मैं सोच रही हूँ उसमें लौंग की ना भाप ले लेती हूँ, तवे के ऊपर थोड़ा सा लौंग को गर्म करके जो उसकी जो भाप होती है, अगर आप उसे मेहंदी में लेते हैं, मेहंदी लगे हुए हाथों में लेते हैं, तो जो मेहंदी का रंग है वो और भी अच्छा आता है, ऐसा मुझे लगता है। और मेरे साथ तो हमेशा ये बात ट्रू होती है, मैं जब भी ऐसा करती हूँ मेरी जो मेहंदी है काफ़ी डार्क रचती है, तो ये तो कल मालूम पड़ेगा कि कितनी डार्क रचेगी, तो उसके लिए तो आपको कल का ब्लॉग देखना पड़ेगा। तो अभी तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आज का जो ब्लॉग है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको करना है लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसा करने से आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, और जो भी मैं नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँगी वो आपके यूट्यूब स्क्रीन पर इजीली पहुँच जाएगी। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, लव यू।